दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको पोल्ट्री फार्म की वीडियो दिखा रहा हूं। पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गा फार्म की खेती आजकल बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं और यह पोल्ट्री फार्म का जो कामकाज है यह व्यवसाय बन गया है। किस तरह से आप बहुत कम जगह में मात्र 30 से लेकर के 35 दिन में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं और बढ़िया व्यवसाय कर सकते हैं। दोस्तों आजकल ये जो व्यवसाय जो चल रहा है, फल फूल रहा है, यह कंपनियों के द्वारा फल फूल रहा है। कंपनियां बच्चा देती हैं, दाना देती हैं और कंपनियां ही इस उत्पादन को आपके यहां से ले जाती हैं। आपको इसके बदले में मुनाफा मिलता है, अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। आपको क्या काम करना पड़ता है और पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले आपको किस तरह से इस व्यवसाय को बेहतर ढंग से करना होगा, कैसे सफलता पानी होगी, इस व्यवसाय को करने वाले जो यहाँ के जो किसान भाई हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आप लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में शेयर करें। दोस्तों कई साल से ये फार्म चल रहा है, झाझर जहांगीरपुर सड़क मार्ग पर ये जो बिजली घर है जहांगीरपुर, वहाँ ये पोल्ट्री फार्म है और राजवीर सिंह जी चिंगरावली गाँव के रहने वाले हैं। एक नहीं दो तीन फार्म इन्होंने शुरू कर रखे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। लगातार मेरे साथ बने रहें जी। भाई साहब आप कब से ये जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं वो कब से चला रहे हैं? हमें दो साल हो गए जी। दो साल हो गए जी। तो आपने कितने बैच निकाले हैं पहले तो बताइए। हमने बैच निकाले जी पांच। पांच तो कितने आपने फार्म बना रखे हैं? आपने फार्म कितने बना रखे हैं भाई साहब? हमने दो। ये दोनों फार्म आपके हैं? कौन सा गाँव है जी आपका? मेरा गाँव चिंगरावली है साहब। अच्छा अच्छा, तो आपने कितने कितने बच्चों के फार्म है जी आपके? ये हमारे 7100 के हैं जी इस समय में। 7100 के हैं? हाँ जी। तो आपका ये जो साइज क्या है, जो आपने जो ये शेड बना रखे हैं, कितना साइज, कितने बाई कितने का है ये? है जी 150 फुट लंबा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और 30 फुट चौड़ा है। 30 फुट चौड़ा है जी। तो इससे इसकी चौड़ाई 30 फुट ही रखनी पड़ती है कि ज्यादा कर सकते हैं? चौड़ाई 30 होगी जी। अच्छा, चादर 10 फुट ही है। आपने जो बच्चे पाल रखे हैं वो अपने स्तर से पाल रखे हैं, किसी कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कौन सी कंपनी है जी? परफेक्ट। परफेक्ट कंपनी है। तो आसपास के इलाके में यही कंपनी काम कर रही है? कंपनी काम कर यही कंपनी है जी यहाँ पर। अच्छा जी, ये बताइए ये जो ये मुर्गा जो तैयार हो जाता है वो कितने दिन में बच्चे से पक कर के तैयार हो जाता है? 30-35 दिन में तैयार होता है। 30-35 दिन में जी। और एक बच्चे को 30-35 दिन में खिलाने में कम से कम कितना राशन का खर्चा जाता है? इसका राशन बैठता है जी 4 किलो 800 ग्राम का, लगभग लगभग 4 किलो 800 ग्राम। हाँ। यानी जो कंपनियां जो ये कॉन्ट्रैक्ट के उस पर स्तर पर जो करा रही हैं पोल्ट्री फार्म, तो ये बच्चे भी कंपनियां ही देती हैं जी? अच्छा, और राशन पानी भी कंपनी देती है जी। आपको क्या काम करना पड़ता है ये बताइए? इसमें हमको देखभाल करनी पड़ती है बच्चे की। अच्छा, और ये दवा या कुछ और भी जो जानकारी है, वो काम की बातें हैं, वो कंपनी की ओर से होता है खर्चा? कुछ मेडिसिनों के पैसे देती है कंपनी, कुछ स्वयं लगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद इस जो 30-35 दिन का मुर्गा हो जाता है तो उसको कंपनी के लोग ही ले जाते हैं जी? तो क्या भाव बिक जाता है ये मंडी के ऊपर होता है जी? अच्छा, अधिकतम अधिक से अधिक कितने भाव तक बिक जाता है ये? अधिक से अधिक 10 रुपए किलो तक मिल जाता है हमको। अच्छा, एक बच्चे का कितना वजन हो जाता है ये? हो जाता है जी 2.5 किलो 3.25 270 ग्राम। अच्छा अच्छा, के लगभग में। और कम से कम यदि ये भाव पिट जाए या कोई बात दिक्कत वाली आ जाए तो कितने वजन, कितने कीमत क्या जाती है किलो? जब ऐसा होता है जी हमको 6 के पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और जो बच्चे ज़्यादा मर जाते हैं उनको कंपनी हमसे स्वयं काटती है हमारे चेक में। अच्छा, ये जो शेड बनाने में जो खर्चा आता है ये कम से कम कितना खर्चा जाता है? किस इसमें क्या क्या सुविधाएँ आपको बच्चों के लालन पालन के लिए करनी पड़ती हैं? इसमें हमको पानी की व्यवस्था, सबसे पहला पानी की व्यवस्था जी, और दूसरी लाइट की व्यवस्था। अच्छा, और तीसरी व्यवस्था ये है कि इसमें जब मौसम के अनुसार इसमें हमको भट्टी भी लगानी पड़ती है कोयले की लकड़ी की। अच्छा अच्छा, जहाँ भी मुर्गा फार्म यदि आपको बनाना हो तो वहाँ बोरिंग होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, ताकि पानी जब चाहे पानी की आपूर्ति हो सके। वहाँ पर जो का है समर होना चाहिए जी, बिजली की सुविधा, बिजली नहीं है तो जनरेटर होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये क्या टेम्परेचर क्या चाहिए, किस किस समय तक क्या क्या टेम्परेचर रखना पड़ता है ये थोड़ा सा बताइए? जब शुरू शुरू में बच्चे आते हैं, बच्चा आता है 20 ग्राम का। अच्छा, जब टेम्परेचर हमको चाहिए 90 से 100।
अच्छा अच्छा 90 से 100 का। हाँ, 8 दिन के लिए जी। फिर हम उसको 90 में लाते हैं, टेम्परेचर को गिरा कर 90 लाते हैं जी। फिर 3 हफ्ते का सप्ताह का हो जाता है, फिर 80 में चलता है बच्चा। अच्छा अच्छा, यानी अंतिम समय तक यानी 35 दिन तक फिर 80 में चलता है। अच्छा अच्छा, और इसमें कई बार नुकसान हो जाता होगा, कुछ बीमारियां हो जाती होंगी, तो उसके लिए कैसे बचाव करते हैं आप? उसके लिए हमारी कंपनी जो कहा है, अपना जो कहा है, डॉक्टर बैच भेजती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखभाल कराता है। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने 3-4 कितने बैच बता रहे हैं निकाल दिए आपने? हमने ये 5वां बैच है। 5वां बैच है, यानी 5वां बैच का मतलब 5 महीने 20 दिन, यानी कि हम मानते हैं 6 महीने आपने ये काम कर लिया इस पर। हाँ। तो 6 महीने में आपको इससे कितनी आमदनी हो गई, ये बताएं संसाधन। आमदनी तो इस बारे हम बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि मंडी के ऊपर इसका भाव रहता है। अच्छा 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 अच्छा, कुल मिला के फिर भी ये मतलब ये कि 6 महीने में आपने 4 बैच 5 बैच निकाल लिए, और 1 साल में 10 बैच निकाले जा सकते हैं? ऐसा होता है जी, 35 दिन के बाद में बच्चा चला जाता है जी। फिर 15 दिन के लिए फार्म खाली रखना पड़ता है, क्योंकि कीटाणु के लिए इसमें 3-4 स्प्रे भी कर दवाइयाँ लगती हैं। अच्छा अच्छा, फिर 15 दिन के बाद में बच्चा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये माने के चलें कि आपने जो ये बना रखा है, ये 30x70 का जो ये खेत बना रखा है, और इसमें 7000 बच्चे, 7000 बच्चों में से कुछ नुकसान भी होता है, कितने परसेंट का नुकसान हो सकता है जी जरा? नुकसान की तो बात ऐसी है, हम इनके साथ में ज़्यादा हमदर्दी करते हैं। अगर जो हमको कंपनी 5% बच्चे देती है जी, उससे ऊपर मर जाते हैं तो कंपनी हम पे उसका काट लेती है। अच्छा अच्छा, और कम रहते हैं तो जो हमारे दिए हुए बच्चे उनका हमको सेल मिलता है। सेल मिलता है, तो यदि आप ये बताएं कि यदि आज सही ढंग से इसका इनकी देखभाल की जाए, इनकी परवरिश की जाए, चिकित्सा, पानी, टेम्परेचर और खान पीन पर ध्यान दिया जाए, तो नुकसान कम होने के चांस हैं कि नहीं है? नहीं, शुरू में नहीं होते। अच्छा। क्योंकि जो बच्चा मरता है आते ये बच्चा इकट्ठा हो जाता है जी, इकट्ठा होने में जो बच्चा नीचे दब गया वो स्वयं मरता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीमारी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, बीमारी भी आ जाती है। अच्छा, तो ये जो आप इनका जो है, और रख रखाव में जो लोग नए लोग हैं जो पोल्ट्री फार्म लगाना चाहते हैं, नए लोगों को किस इनको शुरू करने में, इस फार्म हाउस को, वो क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए? शुरू करने में सबसे पहले तो इसके लिए फार्म बनाना चाहिए जी। फार्म की लंबाई तो कितनी भी कर लो आप, जितनी चाहें। चौड़ाई 30 फुट रहनी चाहिए। चौड़ाई 30 फुट होगी। तो ये कितना खर्चा आता है, मानो कि हम भाई बात करें, आपने यही बना रखा है फार्म? हाँ। और ये 30x70 का है? हाँ। और एक उधर आपने दूसरा भी बना रखा है? हाँ जी। वो भी क्या साइज का है जी? वो साइज इतना है, वो है 120 का। वो 120 का है? हाँ जी। तो ये आपने, कुछ लोग छान छप्पर के भी बना लेते हैं, कुछ लोग ये एस्बेस्टस की चादरों के बनाते हैं, तो क्या छान छप्परों के भी बनाए जा सकते हैं? नहीं, वो सही नहीं, कामयाब नहीं है। नहीं। अच्छा, तो ये कितना खर्चा आ जाता है इसको, हम मानो इसकी बात करते हैं 30x70 की, इसका ये बनाने में 150 की 150 30x150। हाँ। तो इसको कितना खर्चा इस पर आया? इसमें आया जी हमारा जो का है, एक अंदाज बता दीजिए। अंदाज ऐसा है कि 780 के करीब, 680,000 रुपये। हाँ जी। तो इसके लिए आपको लोन वगैरह भी की कहीं सुविधा मिल गई है? लोन मिल जाता? नहीं, कुछ नहीं मिलता इसमें, नहीं मिलता जी। अच्छा अच्छा, नहीं लोन तो मिलता है पोल्ट्री फार्म के लिए, आपने लिया नहीं क्या? आपको नहीं, हमने तो उनसे मालूम किया था। अच्छा। नौ कहते इस पे नहीं, औरों के लिए मिल जाता है, सुअर रहे, मछली रही, इनके लिए मिलता, पर लोन नहीं, नहीं है। तो आपने 680,000 रुपये खर्च कर दिया इसकी व्यवस्था बनाने में, इस पूरे इसको फार्म को बनाने में। तो ये मान के चलें कि अब एक बार जो ढांचा बन जाएगा वो कितने साल तक काम कर सकता है? ये ढांचा बना हुआ अगर हिफाजत रहे तो 20 साल चलता है। 20 साल कर जाएगा। हाँ। कुल मिला के ये है कि हम कम से कम मुनाफे की बात करें तो 1 साल में इतने बड़े इस जो आपका शेड है, कितना मुनाफा हो सकता है? ये लगा लो कि मुनाफा तो कम से कम 80,000 का तो एक बैच का मान के चलो। अच्छा, एक बैच का 80,000। हाँ जी। और बैच निकल सकते हैं एक साल में कितने? अब ये लगाओ कि 35 दिन में तो बैच जाता, 35 और 15 50 दिन 50 हो गए। हाँ जी। तो 50 दिन हो गए, 5×6 30 यानी 7 बैच निकल सकते। हाँ। 7×8 56 यानी 5,60,000 रुपये ये एक सेट हमको दे सकता है। हाँ। तो इसमें आदमियों की कितनी जरूरत पड़ती है? इसमें जब बच्चे आते हैं तो 8-4 आदमी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि बच्चे रात को इकट्ठा ना होना चाहिए। अच्छा, उनको अलग अलग करते थे, बेहतर करते। हाँ जी।
तो उसको डंडी से फटकारने के अलावा और कोई माध्यम भी है जिससे वो? नहीं, खाली कट्टा हलाते हैं। अच्छा अच्छा। यूरिया का हो या दाने वाला, उससे वो अपने आप इधर उधर होते हैं। पानी आपने इसमें पानी की सुविधा जो कर रखी है और जो दाने की जो व्यवस्था कर रखी है वो सब वो ऑटोमेटिक कर रखी है? हाँ जी, ऑटोमेटिक ही सब सब। और आपका इसका जो रखरखाव का जो खर्चा है, हम देख रहे हैं पानी पी रहे हैं तो पानी इसमें आता रहेगा, ऊपर से ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है आपने? हाँ जी। और ये दाना भी आप इसमें जो हम देख रहे हैं कि दाना इसमें ऊपर डाल देते हैं और ये चुग जाता है तो फिर इसमें से निकल आता है? हाँ जी। तो और इसमें जो है और खर्चा क्या मान सकते हैं जी, क्या क्या खर्चा आता है इसमें थोड़ा सा? नीचे आपने इसमें क्या बिछा रखा है ये सब साफ सफाई करते समय? सबसे पहले तो इसमें नीचे तो कच्चा ही रहता है ना? इसे नीचे तो कच्चा ही रहता है, कच्चे के बाद में इसमें धान की बूर बखेरी जाती है। अच्छा अच्छा। बूर के बाद में कलई बखेरी जाती है, चूना जी, चूना बखेर के जब बच्चे लाए जाते हैं। और इन बच्चों में ऐसे कोई बीमारी से बचाने के लिए इनको क्या करना चाहिए, उनको उसके बारे में थोड़ा सा बताइए? समय समय पर डॉक्टर खुद ब खुद कंपनी के आते रहते हैं? कंपनी का डॉक्टर रोजाना आता है जी। अच्छा। वो चेक करता है, जो कमी होती है मेडिसिन कुछ लिखता हमको दे जाता है और कुछ जो कहा है वो लिख जाते हैं। कुल मिला के ये जो है व्यवस्था, यदि सही तरीके से आदमी यदि इसे करना चाहे इस काम को लोग जाओ तो घाटा इसमें नहीं है, मुनाफे का सौदा है? नहीं। तो आपके इलाके में ये आपको मन में कैसे आया ये काम करने का? कोई करता था परिवार में पहले या पहली ना? बार कोई नहीं करता था। अच्छा अच्छा। हमारे एक गांव में और भी फार्म थे जी, हमने उनके पास जाते थे जी, तो हमारे मन में एकदम मनोबल आया कि हम भी इस काम को करके दें। अच्छा, आपकी उम्र मेरे ख्याल से 50 से ऊपर की होगी? हाँ जी। तो 50 साल की उम्र में आप ये धंधा कर रहे हैं जी, तो ये मतलब कुल मिला के ये है कि यदि उम्र कोई भी हो, यदि अच्छा अनुभव हो और सही लगन से काम किया जाए तो उसमें मुनाफा हो सकता है? बिल्कुल होता है जी।